टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये आंदोलन संदेश शेतकरी आंदोलन नहीं है, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उत्सवलं, काय सांगितलं एनआरसी आली। केंद्रीय मंत्री का ये बयान, राष्ट्रभक्त होने के नाते शिवसेना ये बयान बहुत गंभीरता से लेता है, लेती है। और रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेना दल के प्रमुख सभी ने तुरंत इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे देश के अस्तित्व के बारे में ये गंभीर मामला है और तुरंत चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करना। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। सरकार ने आज सुबह किसानों को प्रस्ताव भेजा था जिसमें MSP को लेकर गारंटी की बात की गई थी। उम्मीद की थी बात बन जाएगी, किसानों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सवाल यह है कि आखिर किसानों को क्या पसंद नहीं आया? सरकार का प्रस्ताव किसान आंदोलन और कितने दिनों तक जारी रह सकता है? केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध अभी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वही विपक्ष के नेताओं राष्ट्रपति से मुलाकात की और कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग की। केंद्र और किसान के बीच विवाद में अब विपक्ष भी एक पक्ष बना है। ऐसे में कैसे किसान नेताओं और सरकार में सहमति बन पाएगी? किसान अपनी मांगों को लेकर डटी है और अब एक बयान सामने आया है जो केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बयान दिया है। अजीब दावा है, कहा किसान आंदोलन में चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, जिसको लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी अपनी अंदाज में अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को इस तरह की शब्द बोलना कितना शोभा दे रहा है? किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय राव साहब दानवे चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि शिवसेना ने अपनी अंदाज में दानवे के खिलाफ कलवा और मुमरा में आंदोलन किया। इस आंदोलन में बढ़ते पेट्रोल डीजल को भी अहम मुद्दा बनाया गया। हम आपको सुनाते हैं क्या कहा है ठाणे शहर मुस्लिम संघ अध्यक्ष जो है अनवर कच्छी, उन्होंने क्या कहा है, आप पहले सुनिए। आज जो हम लोग का खास मकसद आंदोलन करने का ये था कि पेट्रोल डीजल का जो रेट आए दिन बढ़ रहा है उसके ऊपर हम लोग का निषेध था खाली रिबिन बांध के। और दूसरी बात, जो दानवे ने जो हमारे किसान भाई दिल्ली के अंदर जो आंदोलन कर रहे उसके ऊपर वो बोल रहे कि चाइना से फंड आ रहा है और पाकिस्तान से फंड आ रहा है, ना कि तुम सरकार में रह के उनकी मदद कर रहे बल्कि उसके सॉल्यूशन तुम लोग को सॉल्व करना चाहिए, तो ये उल्टा उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रहे हैं इन लोगों। तो ये दानवे का हम लोग ने बहिष्कार किया और दानवे को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। माननीय जिला प्रमुख गोपाल जी लांडगे साहब के आदेश के ऊपर हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। तो आपने सुना, महाराष्ट्र की जनता व शिवसेना भड़की हुई है, जिसका हमने आपको तस्वीर दिखाया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।